आप लोगों के एक और सवाल का जवाब मैं दूंगा। तीसरा सवाल जो पूछे हैं वह है, क्या नास्तिक लोग आस्तिकों को नास्तिक बना रहे हैं? मैं फिर से यह सवाल आप लोगों के सामने रिपीट करता हूं, क्या नास्तिक लोग आस्तिकों को नास्तिक बना रहे हैं? सवाल बहुत अच्छा है, जिज्ञासा बहुत ही सुंदर है और इस दर्शन को हर लोगों को समझना चाहिए। इस फिलॉसफी को समझने के लिए इस वीडियो को एकाग्रचित होकर अंत तक देखिए। मैं राकेश चंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, प्रोफेशनल लाइफ कोच, एक बार फिर से आपके सामने हूं। पहले तो यह समझते हैं कि यह फिलॉसफी है क्या। इसमें है कि एक नास्तिक हमारे ग्रुप के आस्तिकों को नास्तिक बना रहा है। इसे समझाने के लिए पहले एक स्टोरी ले लेते हैं तो बात को समझ में आएगी, लोगों को समझ में आएगी कि आखिर यह है क्या। किसी राज्य में एक संत को पकड़कर ले आया लोग, राजा के सामने पेश कर दिया। बोला कि महाराज, यह संत पूरे राज्य में नास्तिकता फैला रहा है। यह संत तो सिर्फ बोलने के लिए संत है, लेकिन सारे लोगों को नास्तिक बना रहा है। संत शांतिपूर्ण बात को सुन रहा था। राजा बोला, ऐसी बात है? तुम क्यों ऐसा काम कर रहे हो? तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अच्छी बात है। संत बोला, राजा साहब, आपसे मैं विनती करता हूं कि आपके दरबार में जितने ज्ञानी लोग हैं उन सबको बुलाएं। मैं उन लोगों से कुछ सवाल करना चाहता हूं। अगर वो मेरे सवाल का जवाब दे दिए तो आपको जो इच्छा है दंड देने की आप दे दीजिएगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। तभी मालूम चलेगा कि मैं नास्तिक हूं या आस्तिक हूं। आप लोग ध्यान से इस स्टोरी को सुनिएगा। राजा ने आज्ञा दिया कि सारे ज्ञानियों को बुलाओ, सारे पंडितों को बुलाओ। पंडित का मतलब ज्ञानी लोग से मैं यहां बात कर रहा हूं, कोई जाति का नहीं। और सभी को लाइन में बैठा दिया। सारे ज्ञानी लोग राजा के दरबार में काम करने वाले अच्छे अच्छे ग्रंथ लेकर पहुंचे। पता नहीं ये संत कौन सा सवाल कर देगा, ऐसा कौन सा सवाल कर देगा जिससे मैं जवाब न दे पाऊं तो मेरी बेइज्जती। साथ के साथ ज्ञानी लोग वहां बैठ गए, बैठकर इंतजार करने लगे कि पता नहीं कौन सा सवाल पूछे। सभी के मन में चल रहा है, पूछेगा ब्रह्म क्या है, ज्ञान क्या है, ईश्वर क्या है, शाश्वत क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है। संत बहुत मुस्कुराते हुए शांत भाव से बोला कि आप लोग आ गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा एक छोटी विनती है और छोटा सवाल भी है, विनती भी छोटा, सवाल भी छोटा, और मैं छोटा मनुष्य, सिर्फ इतना बता दीजिए सरकार कि रोटी क्या है। सब लोग आश्चर्यचकित, रोटी क्या है, रोटी क्या है से आस्तिक नास्तिक का क्या फर्क है, इससे क्या मतलब निकलता है। सभी एक साथ बोलने लगे, ये रोटी क्या है, इससे ईश्वर का क्या पता चलेगा, इससे कैसे मालूम चलेगा कि कौन आस्तिक कौन नास्तिक। बोला, मेरा सवाल तो राजा साहब यही है, आप अपने ज्ञानियों को बोलिए कि यह सिंपल सवाल का जवाब दे दें कि रोटी क्या है। राजा का आज्ञा हुआ कि इनका सवाल का जवाब दिया जाए। तो कोई ज्ञानी बोला कि रोटी, रोटी क्या हो सकता है, रोटी का मतलब पानी और आटा का मिश्रण है। कोई बोला यह भूख मिटाने वाला चीज है। किसी ने बोला कि यह सवाल ही गलत है, ऐसा तो कहीं ग्रंथ में है नहीं, कोई किताब में नहीं है, रोटी क्या है, यह सवाल गलत है।
मैं इस सवाल का जवाब देता नहीं। किसी ने बोला, महाराज यह सवाल आप कहां से खोज कर लाए हैं? रोटी क्या है कोई सवाल होता है क्या? कोई ऐसा इसके अंदर कोई गुण रहस्य है क्या? कोई धर्म के बारे में है क्या? कोई आस्तिकता नास्तिकता के बारे में है क्या? मैंने ऐसा तो सुना ही नहीं। और रोटी क्या हो सकता है? रोटी रोटी है। साथ का साथ ज्ञानी लोग अपना अपना आंसर लिख दिया। वह संत गया और सभी का पर्ची लेकर राजा के हाथ में दे दिया और बोलता है, राजा साहब यह आपके ज्ञानी लोग हैं जो यह विष फैलाए हैं कि मैं नास्तिक हूं और मैं आपके सारे राज्य के आस्तिकों को नास्तिक बना दिया, जिन्हें यह नहीं पता कि रोटी क्या है। इन्हें यह भी नहीं मालूम कि रोटी ईश्वर का दिया हुआ अन्न है।